हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और कुछ दिन से एक्चुअली वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे थे और कंटेंट वगैरह भी मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए एक्चुअली फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, और इस सब के रीज़न की वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे थे। हालांकि कल मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें आपको बताया था, पर फिर भी मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपको डिटेल में बताओ कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो अभी सब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, कुछ और बाकी है थोड़ा, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर अभी वीडियोस तो रेगुलर आने लगेंगे। और अभी बाकी तो सब ठीक है। और चलिए गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और गाड़ी अभी चली भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि तो खड़ी रहती है, हम दूसरे कामों में बिजी थे। और गाड़ी दिखाते हैं, गंदी भी बहुत है। और अभी वहाँ से फ़ोन भी आया था एक्चुअली, जो वैक्सिंग वाला जो प्रॉब्लम था ना, कि वैक्सिंग की वजह से अंदर इंटीरियर में उन्होंने वैक्स कर दिया था, तो जिसकी वजह से कपड़े ब्लैक काले हो रहे थे और वो बिल्कुल स्मूथली स्मूथली जैसा लग रहा था। तो उसके लिए उन्होंने वीडियो हमारा देखा होगा, फर्स्ट सर्विस वाला, तो फिर उनका फ़ोन आया कि मैंने कहा टाइम सेट होता है तब आऊँगा बाकी प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम आप लेके आओ गाड़ी, क्लीन करके आपको दे देंगे, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि आपकी गाड़ी के साथ में ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए गाड़ी दिखाता हूँ आपको पहले बाहर से कैसी कंडीशन है। तो ये खड़ी है, बहुत गंदी है एक्चुअली। जब से अभी बारिश भी डेली बारिश होती है और तीन दिन से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, तब से ऐसे चल रही है। धो वॉश वगैरह कुछ हुई नहीं है। तो ये बुलेट पड़ी है यहाँ पे, और कल का टाइम लिया है। वैसे ये तो आज बुलाया था, पर मैंने कल का टाइम लिया है। मैंने कहा कल आऊँगा, आज तो टाइम सेट नहीं है, तो फिर कल जाऊँगा, देखते हैं क्या क्या वो लोग करके देते हैं। तो ये सीन है पूरा, और कल चलेंगे मारुति के शोरूम में और देखते हैं क्या, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डलवानी है तो देख लेंगे कि डराने जैसा है या नहीं। कॉस्टिंग एक्चुअली बाहर की कॉस्टिंग भी अभी मैंने नहीं ली है, तो वहाँ से ले लेते हैं और बाहर से भी कॉस्टिंग ले लेते हैं, कहाँ की सही रहेगी उसके हिसाब से हम आगे काम करवाएंगे। और आपको क्लीन सेव दिख रहा होगा, तो इसका एक्चुअली सीन ऐसा है कि कंपनी में थी मीटिंग, तो हालांकि मैं नहीं निकालना चाहता था, पर मीटिंग की वजह से फिर निकालना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसकी वजह से फिर क्लीन सेव करना पड़ा। तो चलिए चलते हैं नीचे और बताते हैं आपको गाड़ी का, कि गाड़ी अंदर से कितनी गंदी है, क्या सीन है गाड़ी का। तो ये देखिए, पहले आउटर पे देख लीजिए किस तरह से गंदी है, और एक्चुअली बारिश कंटिन्यू हो रही है 4-5 दिन से, बंद ही नहीं हो रही है। बाकी ज़्यादा चल ही नहीं है, पर फिर भी कभी कभी चक्कर लग जाता है सिटी का। तो ये अंदर से दिखाता हूँ, देखिए कभी भी वैसा हो रही जैसा हुआ पड़ा है पूरा। कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा मतलब है, तो इस तरह से गंदी हुई पड़ी है। कल चलेंगे और देखते हैं, वहाँ पे क्लीन करवाएंगे बाकी का जो भी है सब। बोला तो उन्होंने कि हम करके देंगे, देखते हैं आगे का कैसा रहता है सीन। तो ये सीन है पूरा, और अभी वीडियो रेगुलर आएंगे, डोंट वरी। और अभी ऐसा एकदम से गायब नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गई है, कुछ और बचे हैं वो भी हम धीरे धीरे
कर लेंगे आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के वीडियो में लेके चलते हैं गाड़ी को और फिर बताते हैं वहाँ पे क्या पूरा प्रोसीजर होता है। बोला तो है कि हम फ्री में करके देंगे, कोई चार्ज लेंगे या नहीं क्या, तो वो तो कल पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।